एसएसबी के 3 दिवसीय अंतर सीमांत खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह का आयोजन फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी के परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसएसबी के डीआईजी मेडिकल डॉक्टर भास्कर रे, सेक्टर हेड क्वार्टर के डीआईजी रंजीत सिंह, एरिया ऑर्गेनाइजेशन एसएम थप्पा, सब एरिया ऑर्गेनाइजेशन जे बासु सहित अन्य अधिकारी और एसएसबी के जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित झंडारोहण और गुब्बारा उड़ाकर किया गया। इस मौके पर डीआईजी ने फ्लैग पास्ट की सलामी ली, तत्पश्चात खिलाड़ियों को खेल भावना के प्रति शपथ दिलाया तथा 3 दिनों तक चलने वाले इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में 6 फ्रंटियर शामिल हैं और इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल खेले जाएंगे। विजयी प्रतिभागियों को 20 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर भास्कर रे ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसबी के डीआईजी रंजीत सिंह और डीआईजी मेडिकल डॉक्टर भास्कर रे ने बताया, सुंदर पोशाक में उमंग और जोश से यह खिलाड़ियों की टोली अपने निश्चित स्थान की तरफ अग्रसर होते हुए खेल की चिर परिचित टीम भावना व विजयी होने की लालसा लिए मानो हमसे यह कह रहे हो कि सीढ़ियां उनको मिलनी चाहिए जिन्हें मंजिल को पाना है, सीढ़ियों की दरकार उन्हें क्या जिन्हें आसमां पे जाना है। तेजपुर सीमा उमर रहा उत्साह, कुछ ही क्षणों पश्चात आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में आप अपने अपने निर्धारित स्थान पर खड़ियों का अनुरोध है कि ध्वजारोहण के समय जय श्रीमान। इंटर फ्रंटियर वॉलीबॉल क्लस्टर खेलकूद प्रतियोगिता 6 फ्रंटियर मार्च पास्ट की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। लहरियों के साथ आगे बढ़ते हुए विभिन्न रंगों के ट्रैक सूट में आज के पूरे खिलाड़ियों को परेड का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य सतवीर सिंह। लखनऊ पांडियर की सामने समीप पहुंचते हुए गुवाहाटी भारतीय गांधी जयंती ने सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का दाहिने से अभिवादन किया, जिस पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं भगवान करी और सत्ता भंडियर मन से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं अतिथि महोदय का तालियों के से अभिवादन किया। अब आपके सामने रानी श्री खंडियर रानी ने देश के बारे में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया पूरे मंच के सामने से गुजरते हुए तेजपुर फ्रंटियर के कंटिजेंट दाहिने देश से पूरे जोश के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और मंच से गुजरते हुए के सामने आज के होस्ट फ्रंटियर लखनऊ फ्रंटियर दाहिने देश से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और चटक कदमों जोश और उमंग इस ओपनिंग रानीखेत फ्रंटियर, सिलीगुड़ी फ्रंटियर, तेजपुर फ्रंटियर और लखनऊ फ्रंटियर
यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों देवी और वंशजनों से अनुरोध है कि इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। सभी फ्रंटियर अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए पांच पांच के पश्चात मंच के समीप पहुंचते हुए लखनऊ फ्रंटियर अपने ध्वज हाथ में लिए हुए लहराते ये ध्वज इन्हें जोश और इनके अंदर जो उत्साह भर रहा है कि आने वाले तीन दिनों में अपने अपने फ्रंटियर के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ खेल खेले। अपने धर्म और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अंतर सीमांत बालीबाल समूह प्रतियोगिता में एक सच्चे एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रतिभागी के रूप में भाग लूंगा तथा खेल के सभी नियमों का पालन करते हुए ऊंचे दर्जे का अनुशासन का प्रदर्शन करूंगा एवं खेल की सच्ची भावना से खेलूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं खेल के माध्यम से होने वाले सौहार्द एवं भाईचारे हेतु प्रयासरत रहूंगा। जय हिंद। मैं DIG सेक्टर हेडक्वार्टर DIG RTC DIG कॉम्पोजिट की तरफ से आप लोगों को गोरखपुर में स्वागत करता हूँ। तो पता है कि आज से इंटर फ्रंटियर वॉलीबॉल क्लस्टर कंपटीशन चालू होने जा रहा है जो 2-3 दिन चलेगा। जिस क्लस्टर में ऑलरेडी आपको बताया गया है जो 4 डिसिप्लिन होते हैं वॉलीबॉल के अलावा उसमें बास्केटबॉल होता है, हैंडबॉल होता है, कबड्डी होता है। आप इस 2-3 दिन सारा स्पर्धा में सारा डिसिप्लिन में भाग लेंगे। एक गेम खाली फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं है हमारे लिए, ये गेम्स फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी तैयार करते हैं जो बहुत ही जरूरत होता है हमारा। इसके अलावा जब टीम गेम्स होता है उसमें आपस का कोऑर्डिनेशन समन्वय और उसके साथ साथ इन आपस का फ्रेंडशिप या मित्रता या भाईचारा ये भी खेल के अंदर होता है, तो जिसको कलेक्टिवली हम खेल भावना बोलते हैं। जो अभी शपथ ग्रहण में शर्मा साहब ने बताया आपको डिटेल में कि क्या शपथ आपने लिया, क्या करना है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा जे आप प्रॉपर खेल भावनाओं के साथ इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है जे SSB काफी सारा कंपटीशन में गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। रिसेंटली मेरे हिसाब से 1 महीने पहले मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम का जो इस बार SSB ने किया 1-1.5 महीने पहले, इसमें जूडो क्लस्टर कराया गया, उसमें मैं था पार्ट ऑफ मेडिकल टीम था। तो उसमें मेरे को आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मैं बोलूंगा इस बार जूडो क्लस्टर में हुआ, जिसमें जूडो के अलावा भी बाकी गेम्स थे, जिमनास्टिक थे, किक बॉक्सिंग था। तो ये आप लोगों का ही कठोर परिश्रम का नतीजा है
और किसको पता है जो आप लोगों से भविष्य में कोई एशियाड में या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे। जोरदार तालियां। देखिए ड्यूटी के साथ साथ खेल होना भी बहुत ज़रूरी है। खेल से भी एक तो फिजिकल फिटनेस भी रहता है और उसके साथ साथ टीम स्पिरिट की भावना, कंपटीशन की भावना, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये जवानों के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी हम बीओपी में खेल कूद रोज़ करते हैं और इनक्रेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खेल कूद में हिस्सा लें, और ग्राउंड जहाँ नहीं भी है तो वॉलीबॉल वगैरह बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें फिजिकल के साथ साथ जो मैंने बोल रहा था अभी मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्लस कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ गेम से ही हमको मिलता है। तो नेचुरली हाँ बड़ा अच्छा स्ट्रेस ब्लास्टर है, तो ये तो जरूरी है ही है फोर्स के लिए, तो ये तो मैंडेटरी है। सबको खेलना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारा तो हेल्थ के लिए जरूरत है, ये तो फिटनेस का पार्ट है।